नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त हाजिर हूँ फिर एक महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। दोस्तों, हमारे चैनल ज्ञान विशेष में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, भारतवर्ष में कुदरत ने असीमित जड़ी बूटियों का खजाना दिया है। इसमें से कई औषधियाँ चमत्कारिक गुणों से भरपूर होती है तो कई औषधियाँ औषधीय गुणों का भंडार होती है। ये जड़ी बूटियाँ मनुष्य जीवन में होने वाली बीमारियों को दूर करती है। दोस्तों, ऐसे ही एक औषधीय गुणों से भरपूर जड़ी बूटी के बारे में आज हम बात करेंगे, जिसका नाम है कुकरुंधा। दोस्तों, ये जो आप पौधा देख रहे हैं ये कुकरुंधा का पौधा है। इस प्रकार के इसके पत्ते होते हैं और ये पौधा 1 से 3 फीट तक ऊंचा होता है। ये पौधा बहुवर्षायी होता है और सीधा बढ़ता है। शुरुआती दौर में इसके पत्ते मूली के समान लगते हैं। इस पौधे में अजवाइन जैसी गंध होती है। दोस्तों, इस पौधे पर पीले रंग के पुष्प होते हैं। आयुर्वेद के अनुसार इसके गुणों की हम बात करें तो कुकरुंधा स्वाद में कटु तीक्त, उष्ण प्रकृति का, पचने में हल्का और रुक्ष होता है। ये कफ को मिटाता है, मुंह के रोग दूर करता है, पेट का दर्द मिटाता है और दाह तथा तृष्णा का निवारण करता है। इस पौधे का सारा पंचांग तीक्त, स्तंभन, सोथग्न और आँखों के लिए हितकारी तथा पाचक होता है। ये अर्स और बवासीर की रामबाण औषधि है। दोस्तों, इस पौधे का संस्कृत नाम कुकुंदर और सूक्ष्म पत्र है। हिंदी में कुकरुंधा और कुकुरवंदा कहते हैं। इसे गुजराती में कलार और कपूरियो कहते हैं, नेपाली में बुंगी से जानते हैं। इसका अंग्रेजी नाम ब्लूमिया लेसेरा है। तो आइए दोस्तों, जानते हैं कि कुकरुंधा का उपयोग औषध कार्य में किस प्रकार से किया जाता है। दोस्तों, जिन लोगों को उम्र से पहले ही बाल सफेद हो गए हैं, इनके लिए कुकरुंधा बहुत फायदेमंद है। इसके लिए कुकरुंधा के ताजे पत्तों का रस निकालें और उसमें 4 भाग पानी मिलाएं। अब इसका क्वाथ बनाकर सिर धोएं। दोस्तों, आप देखेंगे कि इसके कुछ दिन प्रयोग करने से ही बालों का सफेद होना बिल्कुल बंद हो जाता है। दोस्तों, ये औषधि आंखों के लिए भी काफी फायदेमंद है। इसके लिए इसके ताजे पत्तों का रस निकालकर अच्छी तरह से छानकर इसमें फिटकरी घिसकर अंजन करें। इस प्रयोग से आंखों में होने वाला झाला मिटता है और आंखों की फूली दूर होती है। अगर आपको इस प्रकार की जानकारी अच्छी लगती है तो अभी लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस प्रकार की जानकारी अक्सर हमारे चैनल पर आती रहती है, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों, जो लोग कफ से पीड़ित है, ऐसे लोगों को कुकरुंधा के ताजे पत्तों के साथ समान मात्रा में शहद मिलाकर पीना चाहिए। इस प्रयोग से कफ विकार दूर हो जाते हैं। जिन लोगों को आंतों में कृमि हो गई है, पेट में कीड़े हो गए हैं, ऐसे लोगों को इसके ताजे पत्तों का रस निकालकर 15 से 20 मिली की मात्रा में सुबह खाली पेट 2 से 3 दिनों तक सेवन करना चाहिए। इससे पेट की कृमि नष्ट हो जाती है। दोस्तों, कुकरुंधा के ताजे पत्तों का रस निकालकर छोटे बच्चों की गुदा में लगाने से पेट की कृमि मिट जाती है, जिसे चुन्ना रोग कहा जाता है। दोस्तों, कुकरुंधा अर्स और बवासीर की एक रामबाण औषधि है। इसके लिए कुकरुंधा के ताजे पत्तों का रस 5 मिली की मात्रा में निकालकर साथ में काली मिर्च का चूर्ण लगभग 500 मिलीग्राम मिलाएं। अब इसे रोजाना खाली पेट दिन में 2 बार सेवन करें। दोस्तों, इसके 4 से 5 दिनों के प्रयोग से ही खूनी बवासीर नष्ट हो जाता है। दोस्तों, जिन महिलाओं के स्तनों में सूजन आ गई हो, तो ऐसे में कुकरुंधा के ताजे पत्तों का रस निकालकर उसमें जौ का आटा मिलाकर गुनगुना करके लेप लगाएं। 2 से 3 दिनों तक ये करने से स्तनों की सूजन उतर जाती है। जिन लोगों को सर्दियों के मौसम में जोड़ों का दर्द परेशान कर रहा हो, तो ऐसे में कुकरुंधा के ताजे पत्तों का रस निकालकर गुनगुना करके प्रभावित स्थान पर लगाना चाहिए। इससे जोड़ों में होने वाली सूजन और दर्द का निवारण होता है। दोस्तों, इस जड़ी बूटी के पत्तों को घाव पर लगाने से न भरने वाले घाव भी शीघ्र भर जाते हैं, और अगर घाव में खून बह रहा हो तो इसे लगाने से शीघ्र ही खून बंद हो जाता है। दोस्तों, कुष्ठ रोग में कुकरुंधा के पत्तों के साथ समान मात्रा में मूली के बीजों को पीसकर लगाना चाहिए, इससे कुष्ठ रोग नष्ट होता है। तो दोस्तों, ये थी आज की महत्वपूर्ण जानकारी। वीडियो पसंद आने पर लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में फिर एक नई जानकारी के साथ।